कल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये वीडियो मैं खास तौर पर हिंदी में डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमारा दवाखाना शुरू हुआ है। इस दवाखाने की खूबी ये है, ये जो आप दवाखाना देख रहे हैं इसकी खूबी ये है कि इसमें जो दवाइयाँ आप देख रहे हैं ये सारी दवाइयाँ दिल्ली में नहीं बल्कि देश में सबसे सस्ती दवाइयाँ हैं। देश में सबसे सस्ती दवाइयाँ जो यहाँ पे हैं ये गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर दवाखाना है। आपको कोई कैंसर की दवाई चाहिए, कोई बीपी की दवाई चाहिए, कोई हर्ट की दवाई चाहिए, जेनरिक चाहिए, पेटेंट चाहिए, जिस तरह की भी आपको दवाई चाहिए होगी ये यहाँ सबसे सस्ती आपको दवाई मिलेगी। इसकी कारण क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी परसेंटेज या कमीशन की बात नहीं। जिस रेट पर कंपनी दवाई दे रही है, जिस रेट पर कंपनी दवाई बना रही है, उसी रेट पर गुरुद्वारा बंगला साहब में से आपको ये दवाई मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग गुरुद्वारा बंगला साहब में इस दवाखाने का लाभ उठा सकें। ये दवाखाना गुरुद्वारा बंगला साहब में स्थित है। हमारे बहुत सारे परिवार अभी से पहुँचने भी शुरू हो गए हैं, लंबी लाइनें भी लगनी शुरू हो गई हैं, और हर तरह की दवाई यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी और सबसे सस्ती। मैं आपको मसलन एक दवाई बताना चाहता हूँ, मैं अभी देख रहा था, ये एक दवाई है, इसकी MRP आप अगर देखेंगे तो इसकी MRP 118 रुपये है, और यही दवाई 15 रुपये की, मात्र 15 रुपये की है। इस तरह की एक नहीं अनेक दवाइयां हैं जिनकी MRP बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप बाज़ार में वो दवाई देखेंगे तो वो दवाई आप उसी रेट पर मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप जब लेंगे तो आपको उसी रेट पर मिलेगी जिस रेट पर कंपनी ने उस दवाई को बनाया है। सो मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे। गुरुद्वारा बंगला साहब में ये दवाखाना जो है, बाला प्रीतम दवाखाना गुरुद्वारा बंगला साहब में, दोस्तों जल्दी ही हम आप तक पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे दवा करना चाहता हूं कि जो लोग हमें ये दवाइयां और सस्ती उपलब्ध करा सकते हैं, कोई कंपनी हमें सीधी दवाई दे सकती है, जो भी हमारा इसमें साथ दे सकता है वो हमारा साथ दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोग साथ दें, ताकि दिल्ली के नहीं देश के अंदर एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव हम इसको तैयार कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।